30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अंग्रेज कजरी सोचा कौन जी बोल रहा है? नाना साहब बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा लिया। बहादुर शाह जफर, हमारे को बक्सर का युद्ध में हमारे परदादा से तुम लोग संधि कराएगा, इलाहाबाद की संधि तोरो मारे। हमारे बुढ़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। हम अपने बुढ़ऊ के लिए लड़ेंगे। काल लुंगी पीर लिया। मौलाना साहब तकरीर रोकिए, अंग्रेज की तरह मारो फिरंगियों को, मारो। सड़क से कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कमोबेश गरीब अमीर हर इंसान किससे उब चुका था? अंग्रेजों से उब चुका था। अब इसमें एक कोई ना कोई भयानक कारण आता है जो चिंगारी का काम कर देता है। एक राइफल थी जिसका नाम था बेसफील्ड राइफल। बेसफील्ड राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल को अंग्रेज लेके चले आए सब। तो बेसफील्ड की जगह जो एनफील्ड राइफल लाया गया था, तो उसमें जो गोली का कवर था, तो उस गोली के कवर पर जंग न लगे इसलिए उस पर चिपचिपा पदार्थ के रूप में गाय और सुअर की चर्बी थी। इस वजह से गाय की हत्या क्या होने लगी? तेज होने लगी। और गाय की चर्बी में किसकी चर्बी मिला देते? सुअर की। तो क्वालिटी बढ़ा देता था सुअर की चर्बी, स्ट्रांग होता है सुअर की चर्बी, और मात्रा बढ़ा देता था गाय की चर्बी, और उसी से क्या बनाया जाता था? कवर। अब बंदूक की गोली किसमें रहती थी? कवर में। दांत से क्या करना पड़ता था? कवर फाड़िए और उसके बाद क्या करिए? गोली रखिए और उसके बाद क्या कीजिए? चलाइए। अंग्रेजों ने यही गोली दिया सबको। बाद में जहां ये गोलियां बन रही थी, उस गोलियों के कारखाने में एक भारतीय सैनिक चला गया और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी गाय क्यों मरी है, इसका चर्बी निकाला जा रहा है। ससुरा इधर सुअर मरी है, इसका चर्बी, सब चर्बिया को एक जगह गर्म करके उसको बनाया जा रहा है। उधर देखा ससुरा इसका कवर बन रहा है, ऐसे ही कवर बंदूक की गोलियों में। उधर देखा हमारे गोलियों में ये कवर हुआ है। हल्ला कर दिया, गिरी भाई साहब जितना हम लोग गोली चलाए हैं दांत से खींच खींच के, इस सब में गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई। अब हिंदू धर्म में गाय को इतना पवित्र माना जाता है, गाय के मरने पे बहुत मतलब ऐसा कहा जाता है गाय जब मरे तो उसको अर्थी की तरह ले जाइए, ऐसा हिंदू धर्म में परंपरा है। और उसका पूजा पाठ के लिए कम से कम 5 गांव से भिक्षा लेनी पड़ती है। अब बांधा हुआ है तो मरना बहुत अशुभ माना जाता है, जिसके खूंटा पर अगर बंधी हुई गाय मर गई तो माना जाता है बहुत अपशगुन हो गया। जब गाय बीमार पड़ जाती है तो खूंटा से उसे खोल दिया जाता है। हम तो इलाहाबाद में थे अकबर, तो एक हमारे साथ धनंजय नेवार करके लड़का था, साउथ इंडिया का, साउथ नॉर्थ ईस्ट का था वहां पर। तो हमसे पूछ रहा है, भाई तुम सुअर खाता है? हम कह नहीं रे चोटा, कहीं कहीं कौन सी बोल दिया रे सुअर खाता है? यहाँ 1857 की क्रांति हो गई सुअर के नाम पे, तू पूछता है सुअर खाता है? लेकिन ये बताओ, अगर वो किसी अनपढ़ इंसान या किसी हाई टेम्पर इंसान से पूछता सुअर खाता है, मार हो जाता कि नहीं? हमसे पूछेगा तुम? हमसे पूछा नहीं खाते, खत्म कहानी। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप चाइनीज खाना पसंद करते हैं? नहीं। जापानी खाते हो? नहीं। उसी तरह पूछता है सुअर खाते हो? नहीं। हम भी कहेंगे ये पूछता है, हम पूछे ये काहे पूछे तुम? तो कह रहे हमारे यहाँ ये अफवाह है, हमारे यहाँ ये हल्ला है। हम कहे हो सकता है तुम्हारे यहाँ खाते होंगे लोग तो हल्ला हो सकता है। हम उससे पूछे ये बताओ, हमारे यूपी बिहार में हल्ला है कि तुम नागालैंड वाला सांप खा जाता है? हल्ला है कि नहीं है? का सांप खाता है? कहता है राम नहीं खाता हम यहाँ। वो हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाता। तो आज के वक्त में भी इतने बड़े बड़े क्या है? अफवाहें हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है? अफवाहें। तो उस समय तो और खतरनाक अफवाह था। तो ये 1857 की क्रांति में मुसलमान ने कहा कि भैया हम ही गोली चलाए हैं, इसमें किसका चर्बी है? सुअर का। और इनफैक्ट सुअर इस्लाम में बहुत बैन है, वहां पर सुअर टच हो जाएगा तो नमाज नहीं हो सकता है। फिर आपको जाके क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा, बहुत सब उसके लिए क्या करना है? टच नहीं। अब भाई वैसे भी कौन चीज सुअर टच हो जाएगा तो पूजा कर लेंगे क्या? इसमें कौन स्पेशल है? गंदा गंदगी टच हो, सुअर से प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो इतना गंदे रहता है कि ससुर तो वो अच्छा जगह पे बीमार पड़ जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। हिंदुओं ने क्या? विद्रोह। हिंदुओं ने कहा कि हमारी गाय माता का तुमने चर्बी कैसे लगाया? अब मुसलमान ने कहा कि ससुर उस सुअरिया का चर्बी कैसे लगाया है? और हो गया भयानक बवाल। अब इसमें हो गया, देखिए हिंदू धर्म में भी सबसे ज्यादा तो पंडित जी लोग धर्म को फॉलो करते हैं। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था, नेटिव इन्फेंट्री। देखिए मंगल पांडे बीख में एकदम लाल था, मंगल पांडे गलत बात आओ पैसे पंडित जी। अरे यार तुम लोग कांड किससे कराया लोग? पंडित जी से गाय का चर्बी चिबा दिया, बवाल तो होना फिक्स था। मंगल पांडे एकदम भयानक आग बबूला, एक धार्मिक कारण से भी
दूसरा पहले से इतना ना लोगों के दिमाग भरल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद से अंग्रेजों एकदम मंगल पांडे आग बबूला थे। मंगल पांडे ने बोला अपने कमांडर से, उसके कमांडर का नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, बाज और ह्यूज, इन लोगों से कहा कि गलती हमसे क्यों कराया तुम लोगों ने। तो उसने कहा कि हम गलती नहीं कराए, ये अफवाह है। तो मंगल पांडे ने कहा अफवाह है, हम कल है शाम को उसी कारखाना में गए थे। तब कहा सब कि भाई तो पकड़ लिया, हल्ला हुआ सब कारखाना, कहा गड़बड़ा गया। इतने दिन तक से अंग्रेजों ने क्या कहा था कि ये अफवाह है। अब मंगल पांडे क्या किया, देख लिया, अब पूरे सब लोगों को बता दिया। अब मंगल पांडे पंडित जी थे, इनका वैल्यू ज्यादा था और बहुत तेज तरार सैनिक थे और अंग्रेज भी इनको बहुत मानते थे सर। तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज ने जब पकड़ा गया गलती, तो मंगल पांडे ने कहा काहे गलती किया तुम, हमसे तुमने गाय की चर्बी लगवा दिया, हमारा धर्म नाश हो गया, कोई हमारे घर नहीं आएगा, हमारे हाथ से पूजा पाठ का प्रसाद नहीं लेगा, छुआ अछूत हो जाएंगे हम अब यहाँ पर। कहा कि अब तो हम अछूत हो ही गए, तोरा बताते हैं, निकाला गोली, ऐसे चीरना है ले, धारा बंदूक में गोली, लेफ्टिनेंट बाज धाए, इका मार दिया, लेफ्टिनेंट ह्यूज धाए, मार दिया यहाँ पर पूरा का पूरा मार के हथियार पे का मार डालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में सारे सैनिकों के आगे फांसी पे चढ़ा दिया गया वहां पर, क्योंकि सेना में सजा बहुत तगड़ा दिया जाता है। आज के वक्त में भी अगर फौज का खाना पसंद नहीं है और आपने बोल दिया खाना पसंद नहीं है, मार के रद्द कर देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और मेरठ के सैनिक जो थे, मेरठ के नेटिव इन्फेंट्री वालों ने कहा कि बहुत हो गया, नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे अंग्रेजों को। इन लोगों ने पूरी सेना को संदेश भेजवाया कमल का फूल और रोटी के माध्यम से। 30 मई का डेट रखा गया, 30 मई 1857 का डेट रखा गया, इस दिन विद्रोह करना है। लेकिन 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने किस दिन कर दिया, 10 मई 1857 को कर दिया। अब भाई आपकी तो तैयारी है नहीं ना, आपके पास अपने गोला बारूद के कारखाना है, कितना बंदूक है आपके पास, वही ना जितना पहले से था। अंग्रेजों ने क्या किया था, शराब पिलाने की आदत लगा दी थी लोगों को, और शराब बड़ी खराब चीज होता है, पीने के बाद आदमी सच बोल देता है। पिया दीजिएगा कौन, पियक्कर को कोनो चीज पिया के पूछिएगा सब बोल देगा 30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अंग्रेज का जरिए सोचा कौन चीज बोल रहा है, पिया पिया और पिया 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 के पूछ दिया कैसे, रोटी और कमल के फूल से संदेश गया। कहा कि नहीं तो कांड करने वाला है सब। अंग्रेजों ने सारी सैनिकों को तितर बितर कर दिया, छावनी से सैनिकों को उठा के कोनो गांव में लगा दिया। अब जैसे दानापुर छावनी पटना में, यहाँ 10,000 फौजी है, कोनो बात होगा 10,000 को पहुंच जाएगा। अगर विद्रोह होने वाला है तो 2,000 को भेज दीजिए आरा, 2,000 को बक्सर, 2,000 को कोइलवर, कोनो को इधर कोनो को इधर लो, कनेक्शन तोड़ दीजिए। उस समय मोबाइल भी नहीं था, संपर्क किसके आता है, अंग्रेजों। अंग्रेजों ने कह दिया अरे भाई साहब तो बवाल करेगा सब, अंग्रेजों का कब्जा जा, पुर्तगाल को फोन किया सर कुछ नौसेना भेजो इधर, अंग्रेज सेना में क्या हो गया सर, जुट गए सर। और यहाँ 10 मई 1857 को क्या हो गया, विद्रोह हो गया। सैनिक सुबह सुबह निकले सर परेड करने के लिए, बंदूक लोड किए सर, धाए 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 अंग्रेजों को मार दिए सर। बगावत हो गया 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों ने दौड़ा दौड़ा सड़क पर किसको मारा, भारतीयों ने किसे मारा था, अंग्रेजों। अब जब अंग्रेज पिटाना चालू हुए सब, तो जितना तांडव किया था अंग्रेजों ने, तकनीकी कारण से पंडित जी को रेलवे में निचलका सीट लिया, पंडित जी मार अंग्रेजन को मार मार के रद्द कर दिया। विधवा पुनर्विवाह लगाऊ करेगा, अंग्रेज जमींदारी छीनेगा यहाँ, बिहार में वीर कुंवर सिंह की क्या खींच दिया, जमींदारी छीन लिया, वीर कुंवर सिंह का यही मौका है, मारो चट्टा को। झांसी की रानी को कहा कि तू हमारे लड़का को राजा बनने नहीं देगा, चल तोरा बताते हैं, मारा मा नाना साहब बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा, लिया मार मार रद्द कर दिया। बहादुर शाह जफर, हमारे को बक्सर का युद्ध में हमारे परदादा से तुम लोग संधि कराएगा इलाहाबाद की संधि, तोरो मारे बेगम हजरत महल, हमारे वाजिद अली शाह, ओ माय गॉड, हमारे बुढ़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, हाँ जेल में डाल दिया, हम अपने बुढ़ऊ के लिए लड़ेंगे यहाँ पर। तो सब किताब बेचता था पुस्तक विक्रेता पटना में, पीर अली, क्या नाम था, पीर अली, पीर अली किताब पुस्तक विक्रेता थे ये, ईसा ईसा किताब बेचते थे ना कि जिसमें हमेशा बगावत की बातें लिखी रही हूँ, बगावत, लोग पढ़ के खून खोल जाता था एकदम लोगों का। अंग्रेजों ने कहा कि रे पीर अली मार करा देगा,
एकरा किताब के चक्कर में कहियो हम मरा जाएंगे। पुरानी पुरानी कहानियां लिखी जाती थी कि याद करो भारतीय वो चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने धनानंद के शासन को अंत कर दिया गया था इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर। पीर अली किताब बेचता था, अंग्रेज कैसे छोटा किताब के चक्कर में मरवा देगा हम लोग को। हम अंग्रेजों ने उनके दुकान पे बुलडोजर चलवा दिया, कोई किताब नहीं बेचेगा। अब जब मार हुआ 1857 की तो पटना से कौन निकल गए, पीर अली। निकाल लूंगी पीर अली यार। कौन है रे यहाँ पे, हमारा किताब का दुकान बंद कराया तो काट डालेंगे तुमको यहाँ पर। इलाहाबाद में एक मौलाना थे लियाकत अली, ऐसा भाषण देते थे मौलाना साहब कि मार करने लोग वहीं से निकल जाते थे। मौलाना साहब तकरीर रोकिए, अंग्रेज की तरह मारो फिरंगियों को, मारो। कैसे भाई, ये मौलाना बहुत खतरनाक है। और कुछ कुछ मौलाना लोग ऐसा जबरदस्त तकरीर देता है, देखिएगा ना मौलाना लोग का तकरीर या कभी कोई नेता होता का बवाल हो जाता है तो जितना लोगों को अंग्रेज ने क्या किए थे, टॉर्चर किए थे सब। पहले ये तात्कालिक कारण कौन बना, मंगल पांडे। मंगल पांडे तो मंगल पांडे क्या बने, तात्कालिक कारण। और जितने लोगों को इन लोगों ने सताया था एक साथ बदला लेने लगे सब। और अंग्रेज छुपे कैसे, उसे सीबीएसई वाला एकदम गोर गोर। अब छुपे कैसे, अब भारतीय सबके कहते प्लीज हेल्प मी, कम टू माई हाउस, कम टू मी, कम अंदर ले जाके। भारतीयों के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, मूसर, कोनो के पास बेलना, चौकी। चार गो मिल के अंग्रेजवा को पकड़ा है, एगो मूसर ओखली में मुंह डाल रहा है, एगो मूसर से कूच रहा है। अरे भाई साहब, अंग्रेज सब इतना बुरा मरा था सब, कई गो तो एक हफ्ता से चिल्ला रहा था मार डालो मुझे, अभी मैं जिंदा हूं। बेचारा जहां तहां से कूच कूच के मार रहा। हम लोग के पास कोई लेटेस्ट हथियार थोड़े था, मार बांध के कोनो के दांत के मुंह बांध के गढ़ा में फेंक दिले है कोनो के। बहुत बुरा मारा सब अंग्रेजों को। लेकिन सिंधिया परिवार जो मराठों से ही अलग हुआ था, ये लोग अपना स्वाभिमान खो गए थे। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद किया, हथियार मुहैया कराया। और भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों का दिल्ली में जो सबसे बड़ा हथियारों का गोदाम था उसमें सैनिकों ने धावा बोल दिया, और अगर वो गोदाम का हथियार भारतीयों को मिल जाता तो 2 साल तक उससे युद्ध लड़ा जा सकता था और हम आजाद हो गए रहते। लेकिन हिंदुस्तानी ने अपने चमचई के चक्कर में उस हथियार के गोदाम में आग लगा दिया, वो अपनी मातृभूमि का कर्ज भूल गए और आग लगा दिए सब। अरे बांट देना चाहिए, लो ससुराल, लो यहाँ पर, यहाँ पर। और भारतीयों के पास हथियार की कमी हो गई। अंग्रेज कहे सब एक काम करो, युद्ध को लंबा खींच दो। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा नहीं, बल्कि अंग्रेज भारतीयों की कमजोरी को जान गए और युद्ध लंबा खींच दिए। लंबा युद्ध खींचाने के बाद गोला बारूद घट गया, अंग्रेज इजिली इस विद्रोह को दबा दिए सब। और हम लोग भाई देखिए, हम लोग को हमेशा अपने सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हमेशा जो दीमक सब गिरा देता है। हम लोग 1857 के समय ही आजाद हो गए रहते, लेकिन समस्या ये थी कि हम लोग के अंदर देश प्रेम की भावना ही नहीं थी। हकीकत में देखिए, झांसी की रानी का युद्ध करने का कारण था कि उनके बच्चे को राजा न बनाना, न कि देश प्रेम। अगर आप देखेंगे नाना साहब के युद्ध का कारण क्या था, पेंशन बनाना, ना कि उनका देश प्रेम। देश प्रेम रहता शुरू से लड़ गए रहते। जग वीर कुंवर सिंह युद्ध में लड़े थे, देश के भावना से नहीं, उनकी जमींदारी खत्म हुई थी। ये पीर अली दुकान बंद करा दिया था, बेगम हजरत माल कुशासन का आरोप लगा, यानी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। अगर राष्ट्र की भावना उस समय तक रहती तो भारत को 1857 में ही आजादी मिल गई रहती और हम लोग के लिए वो स्वर्ण काल रहता। क्योंकि अंग्रेज आए थे तो हमें बहुत कुछ सिखाए भी थे। हम इतने असभ्य थे कि सती प्रथा के नाम पे लड़कियों को जला देते थे। हम इतने असभ्य थे कि लड़की पैदा होती थी तो गला दबा देते थे। हम लोग विधवाओं को जीने नहीं देते थे, विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने लाए। तो अंग्रेज सब बहुत सुधार किए सर। समस्या ये हो गया कि बहुत लंबे समय तक अंग्रेज रह गए सर। अगर 1857 में हम आजाद हो गए रहते तो बहुत बेहतरीन रहता वहां पर, क्योंकि उस समय तक भारत में इंसानियत थी बहुत हद तक। हम अपने देश का निर्माण अपने ढंग से किए रहते, लेकिन जो 90 साल एक्स्ट्रा लग गया वो हम लोगों को अंग्रेजों ने 90 साल में वो भारतीयों को भारतीय रहने ही नहीं दिए। क्योंकि जब पील आयोग का गठन हुआ 1857 के बाद तो उन्होंने कह दिया कि यदि भारतीयों में एकता की भावना आ गई तो ये किसी भी शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें एक होने ही मत दीजिए। तब अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तब जाति के नाम पर लड़ाओ।
ऊंच नीच के नाम पे लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध लड़ाते रहो अपने में, और सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। हम फलनिया समाज से, हम इस समाज से, एक भारत की भावना नहीं हो पाती है, इस वजह से भारत अभी भी उतना डेवलप नहीं करता। समझ में आ गया कि